हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमज किचन में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे उबले हुए आलू की टेस्टी सी सब्जी, जिसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हो, रोटी या पराठे के साथ या पूरी के साथ भी खा सकते हो। लास्ट तक देखिए, चुटकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालने वाली हूँ राई और जीरा। अच्छी तरह से आपको फ्राई करना है। उसमें डालने वाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करने वाले। उसके साथ आलू लिए थे और उसे कुकर में 3 सीटी होने तक उबाल लिए थे। उसको ऊपर का छिलका निकाल लिया है और आलू के बड़े बड़े पीसेस से स्मैश कर लिया है। आप चाहे तो काट भी सकते हो। तो यहाँ पे हमारे आलू प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा हींग, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन की पेस्ट। थोड़ी ज़्यादा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं लाल मिर्च का यूज़ नहीं करूँगी, तो मिर्ची आपको ज़्यादा ही यूज़ करना है। उसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके साथ बारीक कटा हुआ धनिया, स्वाद अनुसार नमक इसी से इसमें डालना है। इससे जो आलू नमक है ना, सभी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धना जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और मसालों को हम थोड़ा सा भूनने वाले हैं। इसमें डालने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच पानी और मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को आपको अच्छी तरह से भूनना है। तो मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें ऐड करने वाली हूँ उबले हुए और थोड़ा सा दरदरा ही स्मैश किए हुए आलू, और आलू को मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हम कुक कर लेंगे 1-3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आलू की सब्जी परफेक्ट से रेडी हो चुकी है। इसमें डालने वाली हूँ ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर पूरी के साथ, दाल चावल के साथ खा सकते हो। हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड, झटपट बनने वाली हमारे आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। आप इसे झटपट बना के बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो। रेसिपी घर पे जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमज किचन।